गुजरात चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी अपना लाभ लश्कर लेकर पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कोई मुफ्त की सुविधाओं का वादा कर रहा है तो कोई अच्छे दिन लाने का, कोई भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन सबका मकसद एक है, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना। यूं तो कई नेताओं की कहानी राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस तक हर रोज आती ही रहती है, लेकिन बात आज गुजरात की हो रही है तो मुझे गुजरात के कैसे राजनेता की कहानी याद आ गई जो पहले और इकलौते ऐसे नेता थे जो युद्ध के दौरान दुश्मन सेना द्वारा मारे गए थे। यूं तो दो देशों के युद्ध के बीच हमेशा सैनिकों को जान देते हुए देखा गया है, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई मुख्यमंत्री दुश्मन देश के हाथों शहीद हुआ था। जी हाँ, इस नेता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, नाम बलवंत राय मेहता। इस नाम से शायद ही आज की पीढ़ी के नौजवान वाकिफ हो। खैर, ये बात 1965 की है जब भारत पाक एक दूसरे से कई मोर्चों पर युद्ध कर रहे थे। पाकिस्तान लगातार भारत द्वारा युद्ध में मुंह ही खा रहा था, पाकिस्तान अपमान की आग में जल रहा था और प्रतिशोध लेने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तारीख थी 19 सितंबर 1965। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को अहमदाबाद से मीठापुर एक सभा को संबोधित करने जाना था। मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के साथ उनकी पत्नी सरोजबेन, स्टाफ के 3 सदस्य, एक पत्रकार और 2 क्रू मेंबर भी शामिल थे, जिनमें से एक पायलट जहांगीर इंजीनियर भी थे जो भारतीय वायुसेना में रह चुके थे और वो एक बेहतरीन पायलट भी थे। जिस विमान में सभी लोग बैठे थे वो 2 इंजन वाला विच क्राफ्ट विमान था। गुजरात के कच्छ की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए युद्ध के दौरान ये इलाका बहुत संवेदनशील हो जाता है। अब विमान ने मीठापुर से कच्छ के लिए उड़ान भरी। अभी विमान ने उड़ान भरी ही थी कि उनके पीछे एक पाकिस्तानी फाइटर प्लेन लग गया, जिसे 25 साल का पाकिस्तानी फाइटर पायलट कैश हुसैन उड़ा रहा था। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के चौप पर बिच क्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर लिया और इसकी जानकारी उसने पाकिस्तान एयरबेस को दी और अगले आदेश का इंतजार करने लगा। अब दोनों विमान करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इधर पायलट जहांगीर इंजीनियर लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी तरह पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को दूर रखा जाए। वो लगातार भारतीय एयरबेस से संपर्क साधने में लग गए थे। साथ ही साथ जहांगीर एक कुशल पायलट थे, उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने चौपर के पंख हिलाना शुरू कर दिया। ये एक प्रकार का इशारा होता है कि ये कोई लड़ाकू, ये सैन्य विमान नहीं है, ये एक नागरिक विमान है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। करीब 15 से 20 मिनट तक हवा में यही सब चलता रहा। उधर पाकिस्तानी एयरबेस ने पाकिस्तानी फाइटर जेट के पायलट कैश हुसैन को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के चौक पर बिच क्राफ्ट पर हमला करने का आदेश दे दिया। लड़ाकू विमान से पहला गोला निकला और उसने चौपर के एक पंख को क्षतिग्रस्त कर दिया। अभी भी चौपर किसी तरह हवा में संभला हुआ, लेकिन तभी दूसरा फायर हुआ और देखते ही देखते मुख्यमंत्री बलवंत राय का चौपर हवा में पहले 90 डिग्री पर नीचे झुका और आग के गोले में तब्दील हो गया। मीठापुर से करीब 100 किलोमीटर दूर सुथाली गांव के ऊपर से होते हुए जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में चौपर में सवार पायलट जहांगीर एम इंजीनियर, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता समेत सभी लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस विमान को जासूसी करने के शक में मार गिराया था, जबकि इस विमान के उस क्षेत्र में होने की सूचना सभी प्रमुख मीडिया अखबारों को दे दी गई थी। कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खिसियाहट थी, क्योंकि युद्ध में भारत से उसे एक शर्मनाक हार मिली थी। तो इस तरह पहली और आखिरी बार किसी युद्ध में एक मुख्यमंत्री बलिदान हुए, जिसके लगभग 45 साल बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान के फाइटर पायलट कैश हुसैन ने पायलट जहांगीर एम इंजीनियर की बेटी को पत्र लिखकर खेद जताया और माफी भी मांगी, लेकिन ऐसा कोई भी पत्र उसने मुख्यमंत्री या किसी अन्य मारे गए लोगों के परिवार को नहीं लिखा। पायलट जहांगीर एम की बेटी ने भी पत्र का जवाब दिया और पिता के हत्यारे को माफ कर दिया।